ये बदलता स्वरूप अच्छा है। जहां पर रिंग लाइट लगा के न जाने लोग घर में बैठ के फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं, उस बीच कोई कलम उठा के लिख रहा है तो इट रियली मेक सेंस, इजंट इट गाइस? फाइन, आपकी हेल्प नहीं थोड़ा उधर। नमस्कार, मैं स्वाति पहाड़। जी स्वाति, अपनी कविता प्रस्तुत करने से पहले मैं एक छोटी सी भूमिका आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हमारे समाज के भी दो पहलू हैं, स्त्री और पुरुष। अक्सर हम मंचों पर स्त्री के लिए कविताएं सुना करते हैं, मगर आज मैं समाज के दूसरे पहलू यानी कि पुरुषों के लिए कुछ सुना। क्या बात है, क्या बात है, स्वागत है। बहुत हमारी व्यथा पे आपने जो लिखा है मैडम, आनंद हुआ। बना बेटा बना पति बना भले बाप हो, बना बेटा बना पति बना भले बाप हो, दुनिया चाहे मन उसका पाषाण हो, दुख हो सुख हो अश्रु मुस्कान हो, है वो पुरुष इतना उसको संताप हो, आवारा बेचारा कोई न सहारा हो, दिखे जब खाली बैठा सबसे नकारा हो। पुरुषों को ये क्यों सुनने मिलता है, क्योंकि कब कौन कहां साथ उसके खड़ा देखा है, कब कौन कहां साथ उसके खड़ा देखा है, देखा जिसे देखा उसे व्यंग करते देखा है। सही बात है, न बोलता न रोता बस सुनता ही जाता है, पुरुष है पौरुष का धर्म वो निभाता है। समाज का क्या दायित्व है कि समझो जानो मानो दिल उसका भी रोता है, समझो जानो मानो दिल उसका भी रोता है, सम्मान छीन जाए दुख उसको भी होता क्या है। बात है। और अंतिम दो पंक्तियाँ, लिंग के भेद को भेद बल कहिए, लिंग के भेद को भेद बल कहिए, हे भला आदमी भी यहाँ उसे बुरा मत कहिए, हे भला आदमी भी यहाँ उसे बुरा मत कहिए। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू। अच्छी स्पेलिंग थी, जबान भी आपके साथ है, तलफ्फुज़ भी बहुत अच्छे हैं। अमूमन लोगों के तलफ्फुज़ प्रोनंसिएशन इतने अच्छे नहीं होते हैं।